दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदी की सीरीज में संज्ञा से अव्यय तक के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में। और दोस्तों इससे पहले हम संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, फुल डिटेल में हमने संज्ञा एवं सर्वनाम के टॉपिक को कम्प्लीट किया है। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, वहाँ से संज्ञा एवं सर्वनाम के टॉपिक को देख सकते हैं। तो आज हम विशेषण के टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं और विशेषण को कुल दो वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आज ये पहला वीडियो है विशेषण का, तो चलिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने विशेषण के टॉपिक को तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल के लिंक को दे दिया गया है, और वहां से आप हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। और टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीडीएफ फाइल होगी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए ये बात की बात है, जब आपको वीडियो लगेगी अच्छी तो आप मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों विशेषण पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में क्या कहा जाता है विशेषण को, तो एडजेक्टिव। शायद आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, वैसे तो आपको पता होगा कि विशेषण होता क्या है। अगर नहीं भी पता है तो वैसे भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं, और जिनको पता है तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विशेषण को। तो विशेषण होता क्या है, तो विशेषण होता है विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषता बताने वाला शब्द। इससे पहले दोस्तों हम संज्ञा सर्वनाम के टॉपिक को पढ़ चुके हैं। तो संज्ञा क्या होती है, संज्ञा एक नाम होता है, जो भी हम नाम बोल दें, जो भी संसार में जो कुछ भी है जिसका एक नाम है वह संज्ञा है। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। पुनरुक्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, या संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब जो भी रेगुलर हैं, जो भी भाई बहन हमारे हिंदी की सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है, अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो संज्ञा सर्वनाम क्लियर है। तो विशेषता क्या होती है, विशेषता बताने वाले शब्द जो के जो हमारी जो संज्ञा है, जो सर्वनाम है, देखिए एक तरीके से बात की जाए जो संज्ञा है वह एक नाम है, और इसी की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो जो कुछ भी है दोनों किस लिए मतलब प्रयुक्त किए जा रहे हैं, नाम के लिए, किस लिए, नाम के लिए। वो हमेशा विशेषता किसकी बताई जाएगी, जिसका कुछ नाम होगा इसकी विशेषता बताई जाती है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। समझ में आ रहा है ना, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। इनमें जैसे विशेषण कुछ देखें हम, तो यहाँ पर देखते हैं जैसे कि काला, बड़ा, लंबा, सुंदर, भारी, दयालु। जैसे कि हम बात करें कि काला आदमी है ना, तो काला आदमी, तो यहाँ पर दोस्तों एक बात बताइए, अब यहाँ आदमी क्या था, संज्ञा थी, तो काला आदमी, तो यहाँ पर जो ये इसकी विशेषता बता रहा है कि ये आदमी कैसा है, काला। वैसे तो आदमी है वो तो एक संज्ञा है, ठीक है। अब आदमी कैसा भी हो तो वह तो संज्ञा में आएगी, काला हो, भूरा हो, कैसा भी हो, जब उसे हम उसकी विशेषता बताएंगे तब जो विशेषता बताने वाला शब्द होगा वही होता है विशेषण, ठीक है। जैसे कि बड़ा है तो बड़ा आदमी कह लो, लंबा है तो लंबा आदमी कह लो, सुंदर है तो सुंदर है ना, भारी है तो यह सामान भारी है, तो सामान की विशेषता बताई जा रही, सामान भारी है, दयालु, वह दयालु है। अब जैसे हमने कह दिया वह दयालु है, तो अब एक बात बताइए, अब आप कहेंगे यहाँ तो कोई नाम नहीं आ रहा है, यहाँ तो कोई संज्ञा नहीं आ रही है। अरे संज्ञा नहीं आ रही है तो सर्वनाम तो आ रहा है, और सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त तो होता है, ठीक है ना। तो ये भी तो एक नाम होता है, नाम मतलब एक नाम की जगह ही तो प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो दयालु कौन है, वह, तो यहाँ सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है ना। तो अब तो क्लियर हो गया होगा विशेषण में आपको, अब तो कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में आ गया है ना। तो अब आगे पढ़ेंगे, जब टाइप्स पढ़ेंगे उनको एक एक कर देखेंगे। और दोस्तों सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। और हिंदी सीरीज को इसी तरीके से शुरू से बेसिक से कराया जा रहा है, सभी टॉपिक्स को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों प्लीज़ जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आगे। तो आगे कुछ हमने एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि गीता सुंदर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो सुंदर है यह विशेषता बता रहा है किसकी, गीता की। तो यहाँ सुंदर कौन है, गीता। दोस्तों हाँ, एक बात और मैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर हमें जैसे एग्जाम्पल दिए हों, चलिए थोड़ी देर में बताते हैं, पहले तीनों एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो गीता सुंदर है, तो यहाँ सुंदर कौन है, गीता है, तो गीता की विशेषता बताई जा रही है। राम दयालु है, तो दयालु कौन है, राम है, तो राम की विशेषता बताई जा रही है। सामान भारी है, तो भारी क्या है, सामान है, तो ठीक है, यहाँ सामान की विशेषता बताई जा रही है। और ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं, तो जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वही विशेषण होते हैं दोस्तों। हाँ, अब बताते हैं हम क्या बताने वाले थे। जब भी आपको एक वाक्य में से विशेषण पता करना हो तो आप क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन शब्द तो जानते हैं हम, क्वेश्चन सर्वनाम मैंने पढ़ाया था ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ाए थे आपको, तो ये सब तो आपने सबको पता होने चाहिए, कब, क्या, कैसे, क्यों, क्या, ठीक है, कहाँ। तो ये सब क्या है प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो यहाँ पर जैसे भी प्रश्नवाचक जैसे लगे वैसे लगाइए। जैसे गीता सुंदर है, तो हम गीता की बात करें तो आप यहाँ कह सकते हैं कौन सुंदर है, कौन सुंदर है, ठीक है। तो गीता, तो यहाँ हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ हम पता चलेगा जो हमारी संज्ञा है उसके बारे में पता चलेगा, जो विशेषता बताई जा रही है किसकी विशेषता बताई जा रही है, गीता की। तो और इस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ इस तरीके से करेंगे कि कौन सुंदर है, तब तो यहाँ विशेष से निकल कर आएगा। तो विशेष से क्या होता है अभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे कि गीता सुंदर है, तो गीता क्या है, क्या है गीता, तो सुंदर है, ठीक है। राम क्या है, राम दयालु है, राम कैसा है, दयालु है। गीता कैसी है, सुंदर है, कैसी लगाइए, क्या नहीं लगेगा, कैसी, तो गीता कैसी है, सुंदर है। राम कैसा है, दयालु है, ठीक है। सामान कैसा है, भारी है, ठीक है। तो यहाँ कैसा शूट कर रहा है, क्या नहीं लगेगा, कैसा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करिए आप, तो यहाँ पर हम विशेषण का पता कर सकते हैं। तो विशेषण का पता करने के लिए दोस्तों, हाँ एक पॉइंट आप याद रखना कि विशेषण का जब पता करना हो तो आप सबसे पहले संज्ञा या सर्वनाम को उठाइए, फिर उससे क्वेश्चन करिए। संज्ञा या सर्वनाम को उठाइए, फिर उससे क्वेश्चन करिए। जैसे कि गीता, तो गीता कैसी है, सुंदर है। राम कैसा है, दयालु है। सामान कैसा है, भारी है। वहीं विशेष्य, अभी विशेष्य पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता नहीं होगा विशेष्य होता क्या है, ठीक है। जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको पता होगा, तो चलिए देखते हैं आगे। तो आगे आता है विशेष्य। तो दोस्तों विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो अभी तो हम पीछे पढ़ रहे थे विशेषता, तो संज्ञा सर्वनाम की बताई जाती है। तो हाँ, वही संज्ञा और सर्वनाम जो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, वही यहाँ पर विशेष्य कहलाते हैं। वही संज्ञा और सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जा रही है, वह यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम ही विशेष्य कहलाते हैं। जैसा कि हम अभी उल्टे क्वेश्चन कर दिया था ना पीछे, वह क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे, ठीक है। जैसे वही हमने एग्जाम्पल लिया कि गीता सुंदर है, तो यहाँ देखिए, अगर हमें विशेषण का पता करना है तो सबसे पहले जो संज्ञा या सर्वनाम है उसे उठाइए, फिर उससे क्वेश्चन करिए, गीता कैसी है, सुंदर है। तो ये विशेषण यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अगर हमें विशेष से पता करना है तो सुंदर, यहाँ से देखिए, यहाँ देखेंगे सुंदर, तो सुंदर कौन है, सुंदर कौन है, गीता है। सुंदर कौन है, गीता है, ठीक है। तो यहाँ हम विशेषण को पकड़ेंगे, फिर उससे क्वेश्चन करेंगे, सुंदर कौन है, गीता है। तो गीता यहाँ पर क्या है, विशेष्य, ठीक है। यहाँ विशेषता किसकी बताई जा रही है, गीता की। तो देखिए दोस्तों, इस वाक्य से ही समझते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। यानी कुल मिलाकर विशेष्य क्या होता है, या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और यहाँ पर जो विशेषता बताता है वो तो विशेषण होता ही है, अभी देखा हमने। चलिए आगे, वह काला घोड़ा है। तो यहाँ देखिए, वह काला घोड़ा है, तो इसमें अब ये क्या है, अब यहाँ पर काला क्या है, विशेषण है। काला विशेषता किसकी बता रहा है, घोड़ा की। तो घोड़ा क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है। चलिए, एक नोट पॉइंट है कि विशेष्य विशेषण के पहले या बाद में भी आ सकता है। अच्छा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो विशेष्य होता है, जरूरी नहीं है कि विशेष्य पहले आए और विशेषण बाद में आए, ऐसा कुछ नहीं होता है, रूल ऐसा कुछ नहीं है।
विशेष से पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन विशेष होगा कौन सा, जिसकी विशेषता बताई जाएगी। विशेषण होगा कौन सा, जो विशेष जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा, ठीक है। क्लियर है, विशेषण और विशेष दोनों क्लियर हो गए होंगे। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे, थोड़ी आज वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि दोस्तों टाइप्स भी देखेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छी रहने वाली है वीडियो आज की, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ अंत तक बने रहना, ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों प्रविशेषण क्या होता है, अब ये अब बहुत सारे स्टूडेंट तो ये कहेंगे प्रविशेषण क्या होता है, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो वो तो यही कहेंगे प्रविशेषण क्या होता है। दोस्तों हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, फुल डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है। प्रविशेषण जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ये क्या बात हुई, अभी तो विशेषण हुए थे जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते थे, यहां तो विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। ऐसा भी कोई होता है, तो होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तो यह आम बहुत मीठा है, यह आम बहुत मीठा है। तो यहां देखिए समझने की कोशिश करते हैं, तो यहां आम क्या है, देखिए विशेषता किसकी बताई जा रही है, आम की। आम ही तो मीठा है, आम मीठा है ना, तो केवल हम ये कहते हैं कि आम मीठा है। देखिए एक मिनट, यहां देखिए आम मीठा है, ठीक है। तो यहां मीठा हो जाता विशेषण, आम हो जाता विशेष्य, ठीक है। अब आम कितना मीठा है, कम मीठा है, ज्यादा मीठा है, ठीक है। तो यह जो शब्द के द्वारा यहां पर यह बताया जाएगा कि कम मीठा है, ज्यादा मीठा है, वह प्रविशेषण होगा। जैसे कि यहां पर आम बहुत मीठा है, तो मीठा कितना मीठा है, देखिए अब यहां देखिए यहां हम प्रविशेषण कैसे निकालेंगे, विशेषण को उठाएंगे, विशेषण को उठाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे मीठा है कितना मीठा है, है बहुत मीठा है, बहुत तो ये क्या है जो कि मीठा की विशेषता बता रहा है, मीठा है ये तो हमें भी पता है मीठा है, ठीक है। लेकिन कितना मीठा है, कम है, बहुत है, तो ये सब जो शब्द आएंगे यहाँ पर ये होगा प्रविशेषण, ठीक है, प्रविशेषण, ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। चलिए एक और देखते हैं, मोहित बहुत चालाक है, तो मोहित चालाक है यहाँ तक तो ठीक है, मोहित हो गया विशेष, चालाक हो गया विशेषण, बहुत अब कम है, बहुत है, अत्यधिक है, अत्यंत है, ये सब क्या होंगे, प्रविशेषण होंगे, प्रविशेषण होंगे, ठीक है। और प्रविशेषण विशेषण से पहले आएगा, प्र प्र मतलब पहले, ठीक है, ये भी याद रखना। सीता अत्यंत सुंदर है, तो सीता है विशेष्य हो गया, सुंदर विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो गया, अत्यंत तो यहाँ अब इसकी क्वालिटी बताई जा रही है, यहाँ इसकी विशेषता बताइए, सुंदर तो है, अत्यंत है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो आई होप विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण तीनों आपके क्लियर हो गए होंगे, हो गए ना। तो चलिए अब देखते हैं हम आगे, अब आगे अपने भेद पढ़ेंगे अब विशेषण के, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों इसी तरीके से देखेंगे, तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के मुख्यतः चार भेद होते हैं, और अभी तक और मैं बता रहा हूं जो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना अभी, संज्ञा से अव्यय तक, इसमें जितने भी टॉपिक आते हैं ना बड़ी कंफ्यूजन होती है। अभी तक आपने संज्ञा सर्वनाम पढ़ा है तो ये समझ में आ रहा है कुछ नहीं है, ठीक है। अभी विशेषण पढ़ लो, ठीक है, क्रिया पढ़ लेना, फिर उसके बाद जब अव्यय में आएंगे ना, अव्यय में क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक, है ना, विस्मयादि बोधक, ये सब पढ़ने के बाद में तब हम बातें करेंगे, और तब आप खुद को जांचना, फिर देखना, ठीक है। वैसे तो आपको पता है, और जितने भी टॉपिक हमारे द्वारा कराए जाते हैं सभी के प्रैक्टिस सेट भी लगाए जाते हैं। तो दोस्तों आज हम विशेषण को पढ़ा दे रहे हैं, बेशक संज्ञा के टॉपिक को जब हमने किया था तो संज्ञा से संबंधित सभी प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में देखा था, सर्वनाम के टॉपिक को कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वैसे सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट करने वाले थे, लेकिन आज विशेषण पढ़ा दे रहे हैं, तो शायद अब विशेषण करने के बाद में पहले सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट करेंगे, फिर विशेषण का करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे चैनल पर जो भी सब्जेक्ट कराई जाएगी सभी के टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाता है साथ में ही, बाद का कुछ नहीं है दोस्तों, बाद में तो कोई नहीं करता है। अगर प्लेलिस्ट अलग से बना के दे दी जाए ना तो आप भी नहीं देखोगे, ठीक है, तो साथ में दी जाती है। तो इसी तरीके से एक बेहतरीन तैयारी के लिए आपकी यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और पढ़ते रहिए दोस्तों, जुड़े रहिए। तो देखते हैं दोस्तों विशेषण के भेद, चार भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक। देखिए यहीं पर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं,
गुणवाचक मतलब जो गुण दोष बताए, है ना, जो गुण दोष बताए, ये आदमी अच्छा है, वो लड़की बुरी है ना, इस तरीके से गुण दोष बताए। संख्यावाचक जो संख्या का बोध कराए, जो संख्या का बोध कराए। परिणामवाचक, देखिए ये संख्या और परिणाम ये दोनों में देखो क्या होता है कि संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक, संख्यावाचक वो होते हैं जो काउंट किए जा सकते हैं, गिने जा सकते हैं, ठीक है, संख्या का मतलब होता है जो गिने जाए। परिणाम जिन्हें मापा तोला जाता है, ठीक है, तो ये साथ में ही आते हैं, बहुत जगह पढ़ेंगे। आगे सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, तो सार्वनामिक इसमें ही पहले ही शब्द दे दिया, सार्वनामिक मतलब सर्वनाम, जो सर्वनाम से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो चारों को चलिए डिटेल में बातें करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुणवाचक विशेषण, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, सॉरी उसके लिए दोस्तों, ठीक है, मैनेज कर लेना। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, देखिए पढ़ते हैं, वे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष, रूप रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, तो इन सब की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों देखिए, रट्टा मारने के अलावा आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए तो इन सबको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सभी टाइप, चारों जितने भी हमारे भेद हैं, चारों को आप पढ़ लोगे, लेकिन आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सोचिए, मैं बताता हूँ किस तरीके से। तो दोस्तों गुणवाचक विशेषण, तो गुण तो जरूरी नहीं है कि रूप रंग का ही गुण हो, है ना। हम जैसे गुण पता करेंगे तो आकार के अकॉर्डिंग जैसे देखें तो कोई मोटा है तो उसका गुण है ना, है ना। अवस्था देखें, कोई गरीब है तो उसका गुण है ना। रूप रंग की बात करें, कोई काला है तो उसका गुण है ना। दशा की बात करें, है ना, जवानी है तो कोई गुण है ना। तो इस तरीके से दोस्तों गुण हम पहचान सकते हैं, वाक्य में दे दिया जाए तो हम गुण की पहचान कर सकते हैं, गुणवाचक की, ठीक है, और स्पेशली भी दे दिया जाए तब भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर भी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो डिटेल में बातें करेंगे। तो गुण जैसे देखेंगे तो कोई अच्छा है, भला है, बुरा है, ईमानदार है, सीधा सरल। दोष में देखें तो कोई बुरा, झूठा, क्रूर, बेईमान, पापी, दुष्ट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। रूप रंग में लाल, काला, पीला, चमकीला, फीका, है ना। आकार में गोल, चकोर, लंबा, चौड़ा, पतला, मोटा। अवस्था देखें तो गरीब, रोगी, स्वस्थ, कमजोर, बूढ़ा। इस तरीके से अगर हम यही लिखते रहे ना गुणवाचक के विशेषण के, तो पूरी वीडियो हम इसमें बना नहीं पाएंगे, ठीक है, 2 घंटे खत्म हो जाएंगे, पर ये पता नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो बहुत सारी कैटेगरी होंगी, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या ध्यान में देना है कि गुण की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं, वो आप आसानी से बता सकते हैं। जब आपको विशेषण के साथ में संज्ञा सर्वनाम दे दिया जाएगा तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि जो गुण है, संख्या आप पता कर ही लोगे, परिणाम आप पता ही कर ही लोगे, सार्वनाम में सर्वनाम से बना होगा, तो बताइए कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए एंड में बातें करेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, जैसे वह एक अच्छा आदमी है तो यहाँ गुण बताया जा रहा है उसका, आदमी का, है ना। उसका चेहरा गोल है तो देखिए चेहरे का गुण बताया जा रहा है कि उसका गोल है, है ना। भूखे पेट भजन नहीं होता तो भूखे पेट, तो यहाँ पेट की व्यवस्था विशेषता बताई जा रही है, भूखा है, ठीक है, उसकी दशा बताई जा रही है ना, तो भूखा है पेट, ठीक है। तो क्लियर है ना दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पर। चलिए तो गुणवाचक में आपको कोई परेशानी नहीं है ना। आगे देखते हैं संख्यावाचक विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण में क्या है दोस्तों, देखिए पहले ही आ रहा है कि संख्या, है ना। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, तो संख्यावाचक में ऐसा भी तो होता है, देखिए कैसा होता है, अब देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक, एक होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए संख्यावाचक से कहने का मतलब क्या है, यहीं पर क्लियर कर लो कि संख्या का मतलब होता है जिस तरीके से जिसे काउंट किया जा सके, सीधी बात, ठीक है, नो बकवास, जिसे काउंट किया जा सके, ठीक है, तो वह संख्यावाचक होते हैं। तो जिसमें निश्चित भी होते हैं अनिश्चित भी होते हैं, तो अनिश्चित, अब आप कहेंगे निश्चित होते हैं, काउंट तो हम निश्चित कर सकते हैं, अनिश्चित कैसे हो जाएंगे, तो होंगे, अभी देखिए आगे, ठीक है। पहले पढ़ते हैं निश्चित संख्यावाचक, तो निश्चित कौन से होते हैं, जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराए। विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध ही तो कराएंगे, विशेष्य क्या होता है, विशेष्य या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा, पढ़ तो चुके हो, ठीक है। तो निश्चित संख्या का बोध कौन कराएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, दुगुना तिगुना, 4, 5, 6, है ना। तो ये सब क्या है, निश्चित है ना, यहां स्पष्ट बताया जा रहा है,
एक आदमी है, दो सेब है ना, पहला व्यक्ति है ना, और भी कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए तो ये सब क्या हैं, निश्चित हैं, जो स्पष्ट यहाँ पर निश्चितता का बोध करा रहे हैं। ठीक है, निश्चित में भी क्या होता है कि कई तरीके के होते हैं, जैसे गणनावाचक जो गणना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एक दो तीन चार पाँच, जो हम गिनती गिनते हैं ना, तो ये गणना करने के लिए है ना, इन्हीं का प्रयोग तो करते हैं, एक दो तीन चार पाँच। क्रमवाचक, जैसे क्रम पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, तो ये क्रम है, जैसे क्लास में बैठाते हैं ना, तो बैठिए भाइयों बच्चों बैठो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा है ना, एग्जाम देने जाते हैं ना जैसे, तो वहाँ पर भी देखा होगा सेटिंग प्लान जो लगा होता है, तो इसी तरीके होता है ना, पहला दूसरा तीसरा है ना। आवृत्तिवाचक, जैसे दुगुना तिगुना चौगुना, तो यहाँ पर आवृत्तिवाचक होता है। समुदायवाचक में जैसे दोनों तीनों चारों, या एक समुदाय का बोध होता है इस तरीके से। ठीक है, दोनों तीनों चारों पांचों, तो क्लियर है ना, है निश्चित ही है ना, निश्चित संख्यावाचक है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि चौगुना है तो चार का बोध नहीं हो रहा, दुगुना है तो दो का बोध नहीं हो रहा, तीनों है तो तीन का बोध नहीं हो रहा, तो निश्चित हो रहा है ना। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, दस रुपये दो, मैंने आपसे कहा दस रुपये दो, तो यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर जो रुपये की बात हो रही है, कितने की बात हो रही है, दस, तो यहाँ पर देखिए निश्चित संख्या है, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया है ना, और संख्यावाचक में भी डीपली पूछ लिया जाए कि निश्चित है अनिश्चित है, तो बता सकते हैं निश्चित है, हमें दिख रहा है दस रुपये की बात हो रही है, तो निश्चित है दस रुपये दो। एक लड़का खेल रहा है, तो यहाँ लड़का बताइए खेल रहा है कितना, एक खेल रहा है, एक है ना, तो निश्चित है और संख्या है ना। कक्षा में हर दूसरा बालक होशियार है, कक्षा में हर दूसरा बालक होशियार है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी निश्चितता का बोध है। मेरे पास राम से दुगुना धन है, तो यहाँ भी दुगुना दो का बोध हो रहा है, निश्चित है। राम और श्याम दोनों जयपुर जाते हैं, तो यहाँ भी निश्चित है कि दोनों दोनों की बात हो रही है। ठीक है, अब आप कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक में क्या, ऐसा क्या होगा, क्या आएगा ऐसा, तो आएगा दोस्तों देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराए, तो सिंपल है, निश्चित में क्या था, जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराए, अनिश्चित में जो निश्चित संख्या का बोध न कराए, जैसे इसमें आएगा कुछ कुछ, कई सब कुछ, थोड़ा अनेक, चंद अनगिनत, देखा है ना, कुछ पैसे चाहिए, कई लोग थे, सब कुछ चला गया मेरा, तो है ना, थोड़ा समय दो, है ना, तो इस तरीके से है ना, चंद लम्हे, है ना, चंद लम्हे, अच्छा लगा होगा ना। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं एग्जाम्पल से, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो मैं बता रहा था ना काउंट करने वाली बात, तो बच्चे हैं, तो ये सब क्या है, काउंट हो सकते हैं ना, कुछ बच्चे, तो यहाँ पर जो विशेषण दिया जाएगा वो अनिश्चितता का बोध कराएगा। यहाँ हमने निश्चित नहीं बोला है कि दो बच्चे या तीन बच्चे या चार बच्चे पाँच बच्चे, यहाँ पर बोला कुछ बच्चे, तो ये अनिश्चित में आएगा और संख्यावाचक है, संख्यावाचक तो है क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने उन्हें गिनकर नहीं बताया है, ऐसे ही बता दिया कि कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। आगे थोड़ा सा खाना खा लो, थोड़ा सा खाना खा लो, तो यहाँ खाने में हमें ये कहा गया थोड़ा सा खाना खा लो, तो ये नहीं बताया गया कितना खाना खा लो, थोड़ा सा खा लो, एक किलो खा लो, दो किलो खा लो, नहीं, थोड़ा सा खाना खा लो। कुछ लोग आए थे, तो कुछ लोग आए थे, जैसे हमने बोल दिया मान लो हमारे घर पे चार लोग आए हैं, तो बोल देते हैं ना कोई, जैसे मम्मी ने पूछा या पापा जी ने पूछा कि कितने लोग आए थे, कि कुछ लोग आए थे, है ना, तो हो गया। कुछ देर बाद हम चले गए, तो कुछ देर बाद, तो ये सब क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं। ठीक है, तो निश्चित अनिश्चित क्लियर हो गए होंगे, और संख्यावाचक तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि जहाँ पर हम काउंट कर सकें वह संख्यावाचक में आते हैं। ठीक है, चलिए अब परिणामवाचक देखते हैं, ये जिस जस्ट अपोजिट होता है इसका, इसमें हम काउंट नहीं, इसमें इनकी माप तोल जिनकी हो सके, तो वो आते हैं परिणामवाचक विशेषण में। चलिए देखते हैं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है, जिसमें संज्ञा सर्वनाम को माप तोल सकें, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, वही हमारे निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। आप कह रहे होंगे ये तो बहुत ही आसान है, संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के थे, निश्चित अनिश्चित, और परिणामवाचक भी है निश्चित अनिश्चित। तो चलिए यहाँ पर तो डायरेक्ट देख लेते हैं, ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो निश्चित परिणामवाचक में क्या आएगा, निश्चितता का जहाँ बोध हो, एक किलो घी, अब घी को हम गिन नहीं सकते हैं,
बताइए गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं ना, 1 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूं, 3 किलो मीटर, 2 किलो दूध, तो यहां पर निश्चित परिणाम वाचक है, परिणाम तो है, इनका परिणाम ही तो हम निकाल सकते हैं, इन सभी का जो यहां पर संज्ञाएं जो दी गई हैं इनका हम परिणाम निकाल सकते हैं, माप तोल सकते हैं ना, है ना। लेकिन यहां जो आगे दिए हैं सब निश्चितता का बोध करा रहे हैं, 1, 5, 3, 2, है ना। अब अनिश्चित में, अनिश्चित में वही सब कि कम लोग, है ना, थोड़ा पानी, ढेर सारा पैसा, बहुत सी किताब, तो यहां देखिए, अब यहां कम अनिश्चितता का बोध करा रहा है, थोड़ा, देर, बहुत, तो ये सब क्या है, अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है, मुझे आशा है कि आप सभी की समझ में ये अभी तक जितना कराया है सब कुछ आ गया होगा। पर दोस्तों मेरी आपसे एक शिकायत ये है कि आप कमेंट बॉक्स में कभी भी कमेंट नहीं करते हैं और बताते नहीं हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थोड़ा वीडियो को आप लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, दोस्तों लाइक कर दोगे तो आपका क्या चला जाएगा ये बताइए। हम आपके लिए इतना अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, फ्री में आपको सब कुछ घर बैठे प्रोवाइड करा रहे हैं, यही सब पढ़ने के लिए दोस्तों हजारों रुपये जमा करने के बाद में कोचिंग में वो भी इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। ठीक है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए एक लाइक नहीं कर सकते हैं और कमेंट नहीं करके नहीं बता सकते हैं कि आपको कैसे लग रही है। कमेंट करके आप जब बताओगे तो थोड़ी हमारी हिम्मत बढ़ती है, ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं, इंस्पायर होते हैं दोस्तों और अच्छे से आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, और जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं वो तो वीडियो को शेयर भी करते हैं और थोड़ा प्रमोट करने के लिए हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, तो इसी में एग्जाम्पल है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आप लाइक नहीं कर सकते हो, कमेंट नहीं कर सकते हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, परीक्षा आपसे पास हो नहीं रही है, पढ़ते आप हो नहीं है, तो बोलते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो चुल्लू भर पानी, तो यहां बताइए, यहां पर जो दिया गया है चुल्लू भर पानी, तो अब इसमें देखिए दोनों के एग्जाम्पल यहीं दे दिए हैं हमने। ठीक है, तो चुल्लू भर का मतलब क्या है, यहां पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है, चुल्लू भर और पानी तो है ही, अनकाउंटेबल में आएगा, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो हो गया ना परिणाम, इसे मापा तोला ही तो जा सकता है पानी को। अब मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, तो यहां देखिए यहां स्पष्ट हो गया, दो मीटर, तो 2 मीटर की बात है। ठीक है, और कपड़ा है, देखिए इसे मापा जा सकता है, और 2 मीटर यहां स्पष्ट कह दिया गया है, तो ये निश्चित परिणाम वाचक होगा। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, अब थोड़ा है तो यहां देखिए अनिश्चितता में आएगा। तो दोस्तों अब तो आप क्लियर कर लोगे, आप आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, बाकी हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, वहां पर आप अच्छे से देखेंगे, फिर पता करेंगे कि आपने सीखा क्या है। चलिए लास्ट है सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण को देखते हैं। तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर्वनाम भी विशेषण की तरह प्रयोग होता है, हाँ होता है। कैसे होता है, जो दोनों में अंतर होता है दोस्तों, इन सभी में जो आपस में जो अंतर होते हैं ना, थोड़े थोड़े जो डिफरेंस हैं वो अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगली वीडियो का वेट करना आप, और बेल आइकन पे प्रेस करना चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, चलिए सार्वनामिक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं मूल सार्वनामिक विशेषण, मूल जो मूलतः जो होते हैं हमारे सर्वनाम, वही मूल सार्वनामिक विशेषण। एक होते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण, तो मूल कौन से होते हैं, यौगिक कौन से होते हैं, चलिए आगे देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मूल सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, बिना किसी रूपांतर के, जिनमें कोई रूपांतर ना हो, ठीक है, जिनमें कुछ परिवर्तन ही ना करें, एज इट इज, ठीक है, यह, वह, कोई, कुछ, तो ये सब क्या होंगे, मूल सार्वनामिक विशेषण हैं। जैसे यह घर मेरा है ना, तो यहाँ विशेषता बताई जा रही है ना, यह घर मेरा है, वह किताब फटी है, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर देखिए होता क्या है, यह घर, तो यहाँ जो हमारा जो संज्ञा या सर्व जो होगी इसके साथ कंबाइंड होगी, साथ में आएगी। ठीक है, साथ में आएगी, इस तरीके से नहीं बन सकता है कि यह मेरा घर है, यह इस तरीके से नहीं बन सकता है। ठीक है, यह घर मेरा है ऐसे ही बनेगा, वह किताब फटी है, तो यहां विशेषता बताई जा रही है ना, तो यह घर मतलब यह घर, विशेषता बताई जा रही है यह घर, वह किताब तो वह किताब, कुछ विद्यार्थी तो कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो यहां पर इस तरीके से जो संज्ञा है इनके साथ लगी होगी। ठीक है, तो वह होते हैं हमारे मूल सार्वनामिक विशेषण।
ठीक है, जब हम नेक्स्ट वीडियो में अंतर देखेंगे कि सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है, वहां पर फुल डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है, और वहां पर अच्छे से हम आपको क्लियर करेंगे कि क्या अंतर होता है किस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे देखा है ना ऐसा जैसा इतना कितना। अब ये एक बात बताइए, यह में तो जो ऐसा बना है हम कहें यह और हम उंगली करके कहें ऐसा, तो बताइए इसमें से ये रूपांतरित होकर ही तो आया है, हैं? जैसा जिस रूपांतरित होने के बाद में आते हैं, इतना कितना, तो ठीक है, तो ये सब रूपांतरित हमारे सर्वनाम होते हैं, ये आते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण में। जैसे कि कैसा घर चाहिए, ऐसा आदमी नहीं देखा, मुझसे ऐसा काम नहीं होगा। तो यहाँ देखिए सबके साथ में क्या है, हमारी संज्ञा लगी हुई है ना, सबके साथ में संज्ञा जुड़ी हुई है, देखिए जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी तो लाइक करिए दोस्तों वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, कमेंट करके बताओगे तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक तो जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस करना, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।